दोस्तों, मैं आपके सामने पद्मश्री काका हाथरसी की एक दो छोटी छोटी रचनाएं पेश करने जा रहा हूँ। एक बार मंच पर एक बेसुरे गायक कलाकार को बुला लिया जाता है और उसकी बेसुरी आवाज़ सुनकर पंडाल खाली हो जाता है। तो काका हाथरसी लिखते हैं कि तंबूरा ने मंच पर बैठे प्रेम प्रताप साज मिलाए 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गूता और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। कहें काका सम्मेलन में सन्नाटा छाया, श्रोताओं में केवल हमको बैठा पाया। कलाकार जी ने कहा होकर भाव विभोर, काका तुम संगीत के प्रेमी हो घनघोर, प्रेमी हो घनघोर हमने सत्य छुपाया, अपने बैठे रहने का कारण बतलाया। कृपा करें श्रीमान मंच का छोड़ो पीछा, तो हम घर ले जाएं अपने फर्श गले जाए। एक छोटी रचना और है, नए अश्व की पीठ पर होके सुबह सवार, नए अश्व की पीठ पर होके सुबह सवार चले मॉर्निंग वॉक को सज्जन सिंह सरदार, सज्जन सिंह सरदार लग रहे बड़े भले वो, काका जी ने कहा गदाले कहाँ चले हो। यह सुन सज्जन सिंह ने अपना मुंह मोड़ा, क्या अंधे हो गदा दिख रहा तुमको घोड़ा। यह सुनकर के काका जी मुस्कराए थोड़े से, भैया ये सवाल तो मैंने पूछा था घोड़े से। क्या है कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पर नाच करता हूँ। फकत तेरी मदद हो इस दयानत के भरोसे पर, मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। पंछी ये समझते हैं कि चमन बदला है, हंसते हैं सितारे के गगन बदला है, शमशान की खामोशी मगर ये कहती है लाश वही सिर्फ कफन बदला है। अर्ज किया है मृदुल उर की लता हिलती हुई मालूम होती है, कली अनुराग की खिलती हुई मालूम होती है, किसी के रूप को दूं कौन सी रंगीन उपमा में, प्याचल में सम्मा जलती हुई मालूम होती है। धूली कण तुच्छ है कंचन को गलत फहमी है, अश्रु कण व्यर्थ है पाहन को गलत फहमी है, दूसरों के रूप पर इतराने की आदत है इसे, बस इसी दर्प से दर्पण को गलत फहमी है। अर्ज किया है कि दुनिया भी अजब सराहे फानी देखी, यहाँ की हर चीज आने जाने देखी, जो आकर न आए जाए, जो आकर न जाए वो बुढ़ापा देगा, जो जाकर न आए वो जवानी देगी। गंध मैंने पिया मद होश कोई और हुआ, आंख मेरी झपी खामोश कोई और हुआ, वाह हरी पाक मोहब्बत असर तुम्हारा है कि चोट मुझको लगी बेहोश कोई और हुआ। मैं आग को छू लेता हूँ चंदन की तरह, हर बोझ उठा लेता हूँ कंगन की तरह, ये प्यार की मजरा का नशा है जिसमें कांटा भी लगे फूल के चुम्बन की तरह, उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनून सर बदलते रहते हैं, ये दबदबा ये हुकूमत ये नशाए दौलत किराएदार है सब घर बदलते रहते हैं। बहारों की मंजर बवंडर नजर आते हैं, गमों के नाले समुंदर नजर आते हैं, बहारों के मंजर बवंडर नजर आते हैं, गमों के नाले समुंदर नजर आते हैं, बना के कश्ती तुझे में पार करता ये जिंदगी, सपनों के महल अब खंडर नजर आते हैं। न जाने आजकल हम किस तरह की मद में रहते हैं, हमारी सोच छोटी है यूं आलम कद में रहते हैं, किसी का भी बुरा करने से पहले ये सोच लेना बस कि हम हर पल खुदा के कैमरे की जद में रहते हैं। अर्ज किया है कि अंधेरा ढहले सूरज को उजाले की खता क्या है, लगी हो सेंध दीवारों में ताले की खता क्या है, किसी के रूप की मदरा नशे से भी नशीली हो, कोई पीकर के मर जाए तो प्याले की खता क्या है। कली चटके तो गुलशन से हवा को प्यार हो जाए, वफा ऐसी गजब हो कि बेवफा को प्यार हो जाए, इबादत वो कि रब बंदे का दीवाना बना भटके, मोहब्बत वो कि आशिक से खुदा को प्यार हो जाए, सुबह मगरूर को वो श्याम भी कर सकता है, सोहरतें छीन के गुमनाम भी कर सकता है, वक्त से आँख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर सकता है।
हर एक फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हर एक फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों की इस दौर की आसिक को क्या पता रखती थे खतने कैसे कलेजा निकाल के। आखिरी दो पंक्तियाँ कि तकदीर मेरी गेसुए जाना से कम नहीं, तकदीर मेरी गेसुए जाना से कम नहीं, जितना संभालते गए उतने ही बल पड़े। जिस तरह से हंस रहा हूँ मैं टीपी के अस के गम, कोई दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े।